दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 29 जनवरी 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग डेट और होस्टिंग को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। वही दूसरी तरफ भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज की शुरुआत से पहले ही टीम इंडिया को एक बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। बड़ा खिलाड़ी यहां पर ओडीआई सीरीज से बाहर हो गया। उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। जी हां, फरवरी महीने की शुरुआत में ही वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। भारत और वेस्टइंडीज आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। आगाज यहां पर ओडीआई सीरीज के साथ होने वाला है। 6 फरवरी से यह शानदार सीरीज शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की शुरुआत से पहले आज की तारीख में इस सीरीज के रिगार्डिंग दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम को लेकर। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कल यहां पर बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया कि भाई 1 फरवरी को भारत की जो 18 सदस्यीय टीम ओडीआई सीरीज के लिए घोषित की थी वो पूरी की पूरी टीम अहमदाबाद में इकट्ठा होने वाली है। अहमदाबाद में आने के बाद 3 दिनों के लिए यहां पर सभी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, यानी भाई क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद लगभग 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी से भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशंस की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के वाइस कैप्टन और ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर। जी हां, जिस वक्त पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान किया था उस वक्त पर बीसीसीआई ने यह कंफर्म किया था कि भाई भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच के लिए केएल राहुल अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन भाई सेकंड ओडीआई मैच से पहले वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली पूरी की पूरी वनडे सीरीज से केएल राहुल आराम पर हो सकते हैं। कुछ पर्सनल रीजंस के चलते वो यहां पर इस सीरीज से आराम ले सकते हैं, लेकिन भाई डेफिनेटली यह कंफर्म है कि भाई टी20 सीरीज वो पक्का यहां पर खेलने वाले हैं। लेकिन भाई अब उनके ओडीआई में पार्टिसिपेशन को लेकर फिलहाल बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही बीसीसीआई या फिर केएल राहुल की तरफ से हमें कोई भी अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम के स्क्वाड्स को लेकर। जहां पर भाई फाइनली वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम का ऐलान यहां पर हुआ है। पूरी की पूरी टीम के स्क्वाड्स को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर टीम में हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों कौन सी टीम यहां पर ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है, भारत या फिर वेस्टइंडीज, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 को लेकर, जहां पर इस सीजन की शुरुआत और होस्टिंग को लेकर बीसीसीआई लगातार बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। लेकिन दोस्तों कल यहां पर होस्टिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया कि भाई आईपीएल 2022 डेफिनेटली हमें भारत में ही देखने को मिलने वाला है। बीसीसीआई यहां पर किसी आउटर कंट्री में आईपीएल 2022 को होस्ट नहीं करना चाहती है और भाई यह भी अब लगभग कंफर्म हो ही चुका है, भारत में ही मुंबई के तीनों स्टेडियम्स में हमें आईपीएल 2022 के महामुकाबले देखने को मिलेंगे। डेट्स के रिगार्डिंग भी बड़ा अपडेट है। पहले 2 टेंटेटिव डेट्स थी कि भाई क्या तो यहां पर 27 मार्च को आईपीएल की शुरुआत होगी या फिर 2 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों कल यहां पर जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 27 मार्च 2022 से आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है और 29 मई 2022 को इस टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर, जहां पर भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की
की टीम ने कल एक लाइव टेलीकास्टिंग की थी जहां पर भाई इन्होंने आईपीएल 2022 के लिए मो कोक्सन्स के अनाउंसमेंट की है, जहां पर फैंस यहां पर केकेआर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़कर उनको ओपिनियंस दे सकते हैं कि भाई किन किन खिलाड़ियों को उस टीम को शामिल करना चाहिए। खैर यहां पर दोस्तों इसके रिगार्डिंग जैसे में कोई फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई केकेआर ने यहां पर इस मुहिम की शुरुआत कर दी है, मो कोक्सन की शुरुआत कर दी है, जहां पर भाई आप सभी क्रिकेट फैंस उस फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हैं, मतलब यहां पर फ्रेंचाइजियों को यहां पर ओपिनियंस दे सकते हैं कि भाई उनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। जी हां, पहले ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भाई आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे सीजन में हमें टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों कल यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो यही चाहती है कि भाई आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लीड करते। वैसे में यहां पर सीएसके की मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल कैप्टन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सीजन के बीच में किसी भी टाइम पर जब उनका मन करेगा उसी टाइम पर वो रविंद्र जडेजा को कैप्टनसी हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन आपके मुताबिक आईपीएल 2022 में किसको करनी चाहिए सीएसके की कप्तानी, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रविंद्र जडेजा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत की वन ऑफ द बेस्ट काफी रोमांचक डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2022 को लेकर, जहां पर आप सभी को बताया भाई कोरोना की वजह से भारत का जो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो लीक यहां पर इफेक्ट हुई है वो यहां पर रणजी ट्रॉफी और भाई फाइनली यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक बार फिर से इस पूरे टूर्नामेंट के कार्यक्रम में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले, जहां पर बीसीसीआई ने कल आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया कि भाई साल 2022 में डेफिनेटली हमें रणजी ट्रॉफी देखने को मिलने वाले। लेकिन रणजी ट्रॉफी को यहां पर दो फेजेज में डिवाइड कर दिया गया, जहां पर एक फेज आपको आईपीएल 2022 से पहले देखने को मिलेगा, जहां फरवरी मार्च के महीने में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली, वही फेज टू हमें आईपीएल 2022 के जस्ट बाद से जून के महीने में देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशिया का सबसे बड़ा और शानदार टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर, जहां फाइनली यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की काफी सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को रिवील किया है, जहां पर भाई यह कंफर्म हो चुका है कि भाई हमें सितंबर महीने में एशिया कप 2022 देखने को मिलेगा। श्रीलंका में हमें एशिया कप 2022 देखने को मिलने वाला है और उसके अलावा भी यहां पर एसीसी ने काफी सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को रिवील किया है जिनके बारे में हम आज दोपहर वाली वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है आज 29 जनवरी 2022 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।